उठ गया है हमारा बेबी, दोनों बेबी उठ गए हैं। और ये सामान कौन उठाएगा यहाँ से, हैं? फेंक दे इसे बाहर। दोबारा वही लोगों को पकड़ा के मैं चीज दिखाने चल। कभी कम में भी बहुत अच्छा मिल जाता है भाई। लोगों खाते खाते बता दो कैसी लग रही है कचौड़ी आप लोगों को? बढ़िया लग रही है भाई। गुड मॉर्निंग, ये राधे राधे। ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा बच्चा है और ये और भी अच्छा बच्चा है। बहुत प्यारे नींद आई, मस्त वाली हमें। हम तीनों चारों इसी बेड पर सो जाते हैं। नींद खुल चुकी है और अब हम जा कर के नहाएंगे धोएंगे और सिद्धांत को भी और श्रेयस को भी तैयार करेंगे, क्योंकि आज श्रेयस का पहला दिन है स्कूल जाने का। चलो बेटा उठ जाओ, गुड बॉय है हमारा, गुड बॉय। चलो फिर नहीं तो लेट हो जाएगा। उठ गया है हमारा बेबी, दोनों बेबी उठ गए हैं, खुश हो गए। सुबह सुबह क्या चाहिए? चाय। ये चाय के शौकीन बच्चे हैं। बाबू आपको क्या चाहिए? चाय। हेलो, कौन बनाएगा चाय? मैं। मम्मा क्या करेगी? मम्मा को बाहर भेज दे? नहीं, मम्मा बनाएगी। चलो भागो 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 दीदी, भाग 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 भाग। इधर आओ, डस्टबिन कहाँ है? यहाँ है डस्टबिन। आपने यहाँ पे फेंक दी पतंग अपनी फटी हुई। चलो कोई बात नहीं, आप उठा दो। फिर किसने फेंकी? मैंने फेंकी। किसने फेंकी? उसने फेंकी। चलो कोई बात नहीं, अभी भैया बिस्किट खा रहा है, आप उठा के ले आओ, मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा। लाओ उठाओ। हाँ नहीं फेंका था। तूने फेंका? चल कोई बात नहीं, चल अभी मैं बताता हूँ उसको। जाओ डस्टबिन बाहर वाले। अच्छे बच्चे हाँ भाई, ऐसा कूड़ा डस्टबिन में फेंकते हैं, ठीक है? अब भैया क्या है, गंदा बच्चा है, भैया ने फेंकी ना ये। तो सुबह सुबह जो है हर तरीके की ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा बैग भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, तो वो सब ड्यूटी पूजा को और मेरे को ही करनी पड़ती है। हाँ वो बैंड है बेटा, दिखाइए जरा बैंड, दिखाइए। तो कल मैं इसके लिए ये सब बैंड लेकर के आया था। इसने कहा कि मुझे अपने फ्रेंड्स को देना है, तो फ्रेंडशिप बैंड है ये। चलो भाई चलो चलो, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। सिद्धांत चाबी कहाँ है? तो गाइस अभी नहा धो करके तैयार हुआ हूँ, और तैयार क्या अभी आधा ही तैयार हुआ है। देखो नीचे कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि महारानी हमारी खुद ही तैयार हो जा रही है। पता नहीं क्या क्या चिपकाई जा रही है अपने गालों पे। अभी मैं इससे कितनी देर से कह रहा हूँ, मेरा लोअर वगैरह मेरे को खुश तो दे रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन इसका ड्रामा चालू है। अभी जा करके इसे धोता हूँ। हाँ भाई दे दो, अभी तक यहीं खड़ी है। वैसे भी आज हमारा प्लान बन चुका है बाहर जाने का, हम मंदिर जा रहे हैं, और श्रेयस को आज स्कूल भेज रहे थे लेकिन अब नहीं भेज रहे, अब कल ही भेजेंगे, क्योंकि हमारा मन था कि हम काफ़ी टाइम से मंगलवार को वहाँ नहीं जा पा रहे मंदिर, तो इस बार हम मंदिर जा रहे हैं। जो बोल रहा हूँ वो कर फटाफट, क्या बात सुन करके भी कोई हरकतें करती है। हाँ तमीज की क्या बताए, इसमें देर से पजामा नहीं पहना हुआ मैंने, मैं नहीं तैयार हूँ, खुद को तैयार होकर चल रहा हूँ, घर पर ऐसी रहो ना, कोई इंसान काम कर रहा है उसको ऐसे फट से इतना तरीके से आप वो कर रहे हो, फिर बोलोगे कि वीडियो में ऐसे बोलती है। ऐसा है मेरे को भी जल्दी तैयार होना होता है, ये ड्रामा करते मेरे को बिल्कुल पसंद है। दोनों लगा लो, तो भाई ये नहीं मानने वाले, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं या जो थोड़े बहुत व्यूअर हैं वो मुझसे कुछ गलत सीखें। हालांकि मैं गलत करता भी नहीं हूँ, बट फिर भी देख लो अभी तक इसको समझ नहीं आ रही। मैं इतनी देर हो गई, मेरे को 2 मिनट हो गए इस बात को कहते कहते, और इससे पहले 5 मिनट से कह रहा हूँ मेरे को पैंट दे दे, पजामा दे दे, कुछ तो दे दे, नंगा खड़ा हूँ, नंगा खड़ा हूँ। बाद में कर लियो, मैं बाइक 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 वाइक साफ करनी है, बाइक वाइक निकालनी है। मैं वैसे भी स्कूटी लेकर गया था पहले, तो रुक जाओ पहले मेरा होने तो खड़े रहो, कोई आफत नहीं आ। क्या दूं क्या क्या, ये नहीं पता तेरे को नीचे क्या पहनना है आदमी को? हैं नीचे तो पहन रखा है वही पहन के चल लो।
वही पहन के चल लो। स्विमिंग पूल पे जा रहा हूँ ना, लो ऑलवेज वाली ड्रेस। ये नहीं चाहिए मेरे को, दूसरा चाहिए, ऑलवेज वाली ड्रेस। और ये सामान कौन उठाएगा यहाँ से, हैं? फेंक दे इसे बाहर। मैं थप्पड़ मार दूंगी, इससे कांच की चीजें थी, कांच की समझ गए, दिलाओ भी नहीं पाओगे, इतनी महंगी महंगी चीजें इसमें। तो किसने दिलाई है? नहीं दे रही मैं, जाओ ले लो, नहीं जाओ। जब देखो ये कपड़े कौन उठाएगा यहाँ से, बेड की हालत हमेशा ऐसी खराब रहेगी। आप करते हो सही जो बोल रहे हो, अब तो दूंगी भी नहीं, आराम से चलना होगा तो चल लेना। देख लो भाई, इसका यही रूप है, डेली का ये ड्रामा है। मेरे को बहुत परेशान हो चुका हूँ इस ड्रामे से मैं। और देखो मम्मी भी कैसे जा करके चुपचाप बैठ गई है, क्यों? क्योंकि मम्मी भी दुखी हो जाती है हमारे डेली डेली के ड्रामे से। हालांकि मैं ऊपर इस तरीके के ड्रामे कभी शो नहीं करता, बट आज मुझे मजबूरी बस करने पड़ रहा है। देखो दिया नहीं इसने मेरे को लोवर, नहीं आ करके घुस गई। तो गाइस ये बिल्कुल भी मान ना रही है, देखो दोबारा वही लोवर मेरे को पकड़ा के, मैं सच बता रहा हूँ मेरे को खुंदक मत दिला यार, तब से ऐसे ही खड़ा रखा हुआ मेरे को। तो खड़े रहो ऐसे और खड़े रहो, इसी को पहनो, यही ऑप्शन है दूसरा वाला। वाह यार, तू ढूंढ के दे नहीं रही है, कह रही मेरे को नहीं मिल रहा, और पता नहीं कह रही है गंदा होगा कहीं पड़ा होगा, उठा कर पहन लो। मुड़ी कितने तरह पहन लो, तकन नहीं है कोई ढीली पैंट जींस वगैरह कुछ दे। देख फिर बैठ गई वहां, देख जाकर ढूंढने की जगह, चल मुझे मत दिखा कुछ भी, मम्मी को दिखा दे। तो गाइस बड़ी मशक्कत के बाद ये दिया है इसने कि ये पहन लो, तो अब मैं यही पहन लेता हूँ, उसी को पहन के जाऊँगा। और फोन ही चलाती रही हो, आई हो मत नीचे। अब मेरी बात सुन ले, इसे मैं जिम में रखूँगा, मेरी बात सुन ध्यान। जो मेरा मूड अभी खराब है आगे मत खराब कर लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने मूड को ठीक करने की, ठीक है ना? बस क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में गुस्सा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ कचर कचर कोई भी परेशान मत करिए मेरे को। ये बाइक मैंने अपनी पार्किंग पे यहाँ लगा दी है, और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है, एक हेलमेट, दो हेलमेट बिना लॉक के, तीसरा हेलमेट, और इस पे भी लॉक लगा है, इस पे लॉक नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं या तो मैं अभी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ अपने लोगों पे जो यहाँ मंदिर आते हैं, और जिन लोगों ने भरोसा करा है तो कहीं ना कहीं भाई उनका भरोसा कायम रहा है, तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि भाई लॉक की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा दिन भी आए कि मैं भी अपना हेलमेट ऐसे ही छोड़ के चला जाऊँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूजा को यहाँ के कचौड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए कहीं और चलो, वहाँ से घर के लिए भी लेके जाएंगे। पूजा एकदम भागे जा रही है, भागे जा रही है, पता नहीं उसे कहाँ पे ऐसी कचौड़ी नज़र आ गई है जो उसे लग रहा है कि ये वाली अच्छी होगी। भाई यहाँ आके खा के देखते हैं अब कैसी लगती है। बाहर तो यहाँ तो खा के देख ली, 50 रुपये की 2 मिली थी, यहाँ पे थोड़ा रेट भी कम है, यहाँ के खा के देखते हैं कैसी है। कचालू भी है, दही भी है, ये कचालू है, अच्छा इमली के कचालू, ये दही है, और स्पेशल सब्जी होती है हमारी। तो अब खा के हम बताएंगे कि कैसी लगी हमें, क्योंकि उससे पहले तो हम बता नहीं सकते, 50 रुपये हम खर्च कर चुके हैं दो कचौड़ी में, पर मज़ा नहीं आया, इसलिए हम दोबारा आ गए दूसरी जगह। भाई खाते खाते ही बता रहा हूँ, रियली में इसको खाने में भी मज़ा आ रहा है, ठहराव रख रहा हूँ और मज़ा पूरा आ रहा है रियली में। वहीं आकर के खाऊंगा अगली बार भी, और आप लोग भी आओ तो यहीं आके खाना, पैसे ज़्यादा देख करके उस दुकान में मत घुस जाना, क्योंकि पैसे ज़्यादा है तो घुस जाओ बस, वही अच्छा होगा भाई, कभी कभी कम में भी बहुत अच्छा मिल जाता है। ये भी मज़ा ले ले करके पेट लिया, बाकी में इसकी सब्जी बहुत अच्छी है। वाली सब्जी तो मैं फेंका रहा था, लेकिन ये नहीं फेंकी जा रही, ये तो खाने का पूरा मन है, इसे पूरी खाते हैं। भाई सीधे भाव भाव की बात है और टेस्ट की बात है, तो देने का तरीका भी आप देख सकते हो। भाई साहब स्टार्ट कर लिया आपने या अभी कर रहे हो? स्टार्ट कर लिया। जैसा लग रहा है आपको? बड़ा स्वाद है, स्वाद है भाई। लोगों खाते खाते बता दो कैसी लग रही है कचौड़ी आप लोगों को? बढ़िया लग रही है भाई, मैं तो नहीं बुलवा रहा आपसे कि बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही भाई, भाई साहब भाई, इसीलिए भाई पसीना भी निकल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट अलग है यहाँ का। ये देखो
जब भी आप आओगे तो यहाँ से सिर्फ अंदर आना है और यहाँ आकर के खा लेना। भाई जाने का टाइम आ गया, ये देखो इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं विश्वास, विश्वास। तो भाई ज़िंदगी में इस तरीके के ड्रामे भी बहुत होते हैं। ये देख लो मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ, पेट्रोल ख़त्म हो गया था और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जाम लगा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आगे डलवाऊँगा और गाड़ी यहीं बंद हो गई मेन रोड पे ही, क्योंकि ये पूरे जाते समय लड़ रही थी ना, पजामा नहीं दिया जा रहा था इस पर। अब देखो हंस के दिखा दिए, ये छेद करने के लिए बोला था, तो क्या लाई है, चाकू ले आई यार, अब लाई है ना चीज़। मैं चेक करता हूँ कैसा हो रहा है। यम्मी है ना। हाँ पियो 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 पियो, फिर मैं कुछ और भी दूंगा आपको, जल्दी पियो फिर बताऊंगा। चलो पियो पियो। क्या क्या है इसके अंदर? चॉकलेट चिप्स। क्या बताऊं? क्या दूंगा? यही तो नारियल पानी दूंगा, इसलिए बोला था मैंने। पी लिया तो अच्छी बात है, अभी दूंगा ना। अरे क्या बताओ, आप बता। ये दूंगा, ये चाटा दूंगा, ले गया मम्मी ले आई, देखा मैंने कहा था ना कुछ दूंगा, जा थोड़ा सा ही देना है इसे, ज्यादा मत देना, थोड़ा सा खाना ठीक है, सारा मत खाना ये। अरे भरा हुआ है वो, भरे वाला लेकर के आया। अरे हमने तो ऐसे ही बोला, उठा लो खा लो खा लो, ज्यादा थोड़ी दिया हम, थोड़ा सा देते हैं बच्चे को, बच्चा नाराज हो जाता है, जैसे हमने बोला कि भाई नहीं खाना तो नीचे रख दिया बच्चे ने।